गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो जिम पे प्रोटीन खत्म हो गया तो घर से प्रोटीन भी लेके जाएंगे। इसको घर में यूज नहीं कर रहा हूँ मैं इसको ज्यादा, तो जिम पे लेके जाके इसको यूज करेंगे अभी अपन। सो वार्म अप खत्म हुआ, अभी फर्स्ट वेरिएशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वेरिएशन फ्लैट डंबल प्रेस करेंगे, इसके 3 सेट करेंगे एंड टारगेटेड रेप्स जो है 8-12 ही रखेंगे एंड टेम्पो एसेंट्रिक जो है ना उसमें 2 सेकेंड रखेंगे एंड कॉन्सेंट्रिक में 1 सेकेंड। जैसा नीचे आता ना डंबल तो 2 सेकेंड में नीचे लाएंगे और 1 सेकेंड में ऊपर लेके जाएंगे। एंड यहाँ पर हमेशा हम 90 सेकेंड्स का रेस्ट टाइम देते थे, इस बार हमें 80 सेकेंड्स का रेस्ट टाइम देंगे वर्कआउट में। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सो डंबल कैसा उठाना याद है शायद, एंड अलग से वर्कआउट बनाऊंगा कि चेस्ट का फॉर्म कैसा रहना, डंबल कैसे उठाना बोल के कैसे करना, एक अलग वीडियो सुनेंगे उसके लिए। बारह तो आसानी से आ गए, बट आप लोगों से ज़्यादा बात करो ना तो रिकवरी ठीक नहीं हो रही, तो थोड़ा कम बात करेंगे वीडियो में। नेक्स्ट हैवी होते जा रहा वेट। तो जब भी ऊपर लेके जा रहे ना अच्छे से मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना, आधा आधा हाफ रेंज ऑफ मोशन करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आता। आपका रेंज भी परफेक्ट रहना एंड जब आप कॉन्ट्रैक्शन करते तो पूरा मसल के ऊपर लोड डालना। सो नेक्स्ट वर्कआउट जो है इंक्लाइन पे डंबल प्रेस एंड साथ में पुशअप्स है। सो इसका जो रेस्ट टाइम रहेगा ना रेस्ट बिटवीन द सेट 80 सेकंड्स का रहेंगे और इसके 4 सेट्स करेंगे और इसके रेप्स जो है 8-12 रखेंगे प्रेस के एंड पुशअप्स के 15-20 रखेंगे। देखेंगे आता या नहीं आता, लास्ट टाइम रिस्ट में पेन था, पुशअप्स करते कि रिस्ट पेन चालू हुआ। अगर हुआ समझो रिस्ट पेन, पुशअप्स नहीं करूँगा मैं, इसकी जगह पर साथ में जो है चेस्ट प्रेस की मशीन पे कर लूँगा और ये इंक्लाइन की 45 डिग्री बेंच सेट। यहाँ पर एल्बो का जो एंगल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्बो का एंगल अगर शोल्डर से थोड़ा भी पीछे गया समझो, चेस्ट के ऊपर से लोड पूरा शोल्डर पे गिरता, वो भी गलत पोजीशन में, इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते शोल्डर के। Ah!
बात आप लोगों से बात करने के चक्कर में दो रेप कम हो गया। स्पेन है डायरेक्ट अपन चेस्ट प्रेस से मशीन कर रहे हैं। अभी डम्बल उठाने के बाद बात नहीं करूंगा, इसमें भी दो रेप्स कम है। सो अभी 80 सेकंड्स का रेस्ट ले लेंगे, रेस्ट लेके केबल फ्लाई करेंगे। केबल फ्लाई जो है ट्रैविकुलर के लिए 7 काउंट करेंगे, मिडिल में 7 काउंट करेंगे और नीचे 7 काउंट करेंगे। 21 काउंट्स का एक सेट करेंगे, वैसे 3 सेट, एंड रेस्ट बिटवीन द सेट 60 सेकेंड्स रखेंगे और टेम्पो जो है 2010 में ही करेंगे। ये भी फाइनल वर्कआउट है। अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना, ना कि बस आप खाली केबल कर ले रहे वैसा नहीं। एंड जिम में जो है 1 घंटे से 1.5 घंटा रहते हैं, तो फोन में और दोस्तों से बातचीत नहीं रहना, सिर्फ वर्कआउट पे फोकस रहना। अगर बात ही करना है तो जिम से नीचे उतर सकते वर्कआउट के बाद, एक आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम निकालो, चबूतरों पर बैठो, चबूतरों पर बैठ के अच्छे से मस्त बात करके घर को जाओ, बट जिम के वर्कआउट के टाइम पर नहीं, फिर बॉडी नहीं बनती है। 100 लोग जिम को जाते हैं, बॉडी क्यों नहीं बनती लोगों की? ये बातें करना, फोन में रहना, सही वर्कआउट नहीं करना। सो वर्कआउट बहुत फोकस से, और फोकस से इसका मतलब ये नहीं कि खाली फोकस लगा रहे, वर्कआउट करते समय पोजीशन भी करेक्ट रहना, आपका एल्बो का एंगल भी सही रहना, फिर आपका रेंज ऑफ मोशन भी सही रहना, फिर आपका ब्रीथ कब इन करना कब आउट करना वो भी ठीक रहना, फिर आपका सेट्स के बीच में रेस्ट टाइम भी जो है बराबर रहना, फिर आपके गोल के हिसाब से आपके वर्कआउट के पूरे सेट्स ठीक रहना, फिर बस इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा सिखा दिया तो फिर भाषण भी ये सब लगता। सो अभी नेक्स्ट आर्म्स का वर्कआउट करेंगे, तो इसमें फर्स्ट वर्कआउट जो है फ्लैट बेंच पे लाइंग केबल कर्ल करेंगे, फिर ट्राइसेप डिप्स करेंगे। तो ट्राइसेप डिप्स मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, और लाइंग जो है बाइसेप कर्ल फ्लैट बेंच पे भी ये पहली बार कर रहा हूँ। इसके 3 सेट करेंगे, एंड रेस्ट बिटवीन द सेट जो है 80 सेकंड्स का रखेंगे, टेम्पो 2010। जैसा आपने एसेंट्रिक आता ना, 2 सेकंड के लिए एसेंट्रिक और 1 सेकंड के लिए कॉन्सेंट्रिक करेंगे। इसके 3 सेट करेंगे। वीडियो छोड़ के पहले जल्दी ले लो ये केबल, जल्दी ले लो। यहाँ पर ट्राइसेप डिप्स कभी भी करते हैं ना, तो आपका जो एल्बो का जो जॉइंट है ना, सिर्फ उसका मोमेंट रहना, बॉडी जो है एक स्टेप फॉरवर्ड लेके एकदम स्टेबल कर डालना। अब ये बॉडी जो है यहाँ पर मैं फॉरवर्ड या स्टेबल कर दिया, सिर्फ एल्बो का जो जॉइंट है ना ऊपर, मैं पूरे बॉडी का भी उठाऊंगा। रेप्स यहाँ पर आसानी से आ गए और रिस्ट में पेन भी नहीं हुआ। जब पुशअप्स कर रहे थे ना, रिस्ट में पेन हो रहा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, बॉडी को
यहाँ पर रख के एक रेप ऐसा मारते फिर एक रेप सामने जाते, ये बॉडी को यूज करते, बॉडी को एक बार एक पोजिशन लेके जाके उसमें स्टेबलाइज करके सिर्फ आपका जो एल्बो का जॉइंट है ना उस पर ही काम करना है। वर्कआउट मस्त इंटेंस के साथ है। अब धीरे धीरे से फैट परसेंटेज अगर लो होना स्टार्ट हुआ ना तब मसल बाहर दिखता, अब तो फैट परसेंटेज ज्यादा है बल्कि मसल उतना विजिबल नहीं हो रहा, खाली साइज है। डंबल्स ऐसा नीचे डाल डालते अब जिम में कोई भी नहीं है बल्कि ऐसा करना पड़ता, वरना जिम में लोग है समझो गिरने के चांसेस है। मैं अकेला हूँ, 1:30 के डेढ़ बज रहे, डेढ़ बजे जो है वर्कआउट कर रहे अपन, तो कोई भी नहीं रहता है टाइम पे, और वर्कआउट भी बहुत अच्छे से बिना म्यूजिक के होता। मोटिवेशन के लिए म्यूजिक होना बोलते हैं, मोटिवेशन के लिए म्यूजिक नहीं, गोल क्या है अपने दिमाग में सेट रहना, खुद ब खुद मोटिवेशन आ जाता। ओवर एक्सटेंशन कर देना केबल से, पहली चीज अपनी बॉडी जो है एक स्टेबलाइज पोजीशन पे लाना, यहां पर मैं एल्बो फिक्स करके एक्सटेंड करूंगा। यहां पर ट्राइसेप डिप्स के जैसे ही जो है सिर्फ ये आइसोलेशन मूवमेंट में एल्बो जॉइंट ही यूज हो रहा। 15 सो डन फॉर द डे, अभी स्ट्रेचिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग के लिए हल्के लिए निकलेंगे। बहुत है डॉक्टर के पास जाने के लिए तो निकला, ये देखो जी। अब ये जैसा इधर इसके ऊपर जो है ये पेन आ रही है, डेरा छोड़ी ये नहीं, हाँ ये नहीं, वही वही एग्जैक्ट यही ना। हाँ। ये देखो उंगली लगा के देखो यहाँ पे, हाँ उधर फील हो रहा है, नहीं नहीं ये देखो, हाँ कुछ हिल रहे ना अंदर, हाँ प्लाइका बोलते हैं, प्लाइका ओके, जो बहुत ट्रेनिंग करते हैं, वेट्स करते हैं, जिम करते हैं, स्क्वाट्स हाँ। करते हैं, लंजेस करते हैं, लेग प्रेस करते हैं, लेग प्रेस करते कि जो है ये रिकवरी नहीं हो रहा। अब जैसा मैं लास्ट टाइम जो है लेग प्रेस करा, प्लाइका बोलते हैं प्लाइका, तो जोड़ के अंदर एक फोल्ड रहता है, हाँ बहुत सारे फोल्ड्स रहते हैं, कोई एक फोल्ड में बार 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 एक चीज करने से वो उसमें इंफ्लेमेशन चालू हो जाती है। ओके वही हो रहा है, दैट्स द रीजन व्हाई यू गेट दिस प्रॉब्लम। ओके इट्स नॉट अ डेंजरस प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ हार्मफुल प्रॉब्लम, यू डोंट नीड एन ऑपरेशन। हेलो यूट्यूब व्यूअर्स ऑफ इमरान खान, इमरान इज हैविंग अ स्मॉल प्रॉब्लम व्हिच वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट, ही विल बी बैक विद हिज टारगेट ऑफ 6 पैक सून।
उनका अपना एक बना हुआ है 150 डेज. कितने डेज का चैलेंज है? 150 डेज में सिक्स पैक्स बनाना चाह रहा है. आई विश हिम द बेस्ट एंड आई विश हिम दैट ही गेट्स देयर विदाउट अ प्रॉब्लम. एंड सब्सक्राइब करो, लाइक करो खान का यूट्यूब चैनल को, लाइक करो. और मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर सिद्धार्थ ऑर्थोपेडिक क्लिनिक, वो इसमें लिंक अटैच कर देंगे इमरान. एंड यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई चैनल जिसपे मैं सर्जरी के बाद और सर्जरी के पहले पेशेंट्स कैसे थे, ठीक है, सर्जरी के पहले क्या तकलीफ थी उनको, सर्जरी के बाद कैसे रिलीफ पाए, ये सब चीजें ऑथेंटिक और रियल चीजें डालता रहता हूँ. अगर आपको फायदा होता तो आप शेयर कर सकते हैं.